तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपए का वेतनमान दिया जाए। प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों और अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही आशा और ऊषा बहनों का आरोप है कि प्रदेश सरकार उनका शोषण कर रही है। हालत यह है कि आशा कार्यकर्ताओं से 2,000 रुपए प्रति माह पर काम करवाया जा रहा है, उस पर भी समय के कोई बंधन नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने आशा बहनों को 15,000 वेतनमान पर एक बार सहमति भी बनाई थी, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया। कोविड काल में अपने जीवन की परवाह न कर काम करने वाली कार्यकर्ता का भुगतान भी पूरा नहीं हुआ है। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। इसके अलावा कार्य समय निश्चित करने सहित अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर से आई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे के नेतृत्व में सोमवार को प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मिशन संचालक के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में हम प्रदेश अध्यक्ष का कार्य संभाल रहे हैं मध्य प्रदेश में। हम आज 52 जिले के पूरे जिलों में, मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में ज्ञापन हो रहा है हमारे संगठन के माध्यम से। हमारी ये मांगे है कि सरकार हमें क्यों नहीं सुन रही, हमें एक निश्चित मानदेय आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये दिया जाए। अंतिम छोर के पंक्ति पे जो हमारी आशा बहनें काम कर रही, सरकार उन्हीं को ही अनदेखा कर रही है, जबकि हम लोग इतना कार्य करते 24 घंटे हमारे सरकार ATM की तरह यूज किया जा रहा है, फिर भी हम लोगों को कोई एक निश्चित मानदेय नहीं दिया जा रहा। यदि हमारा मानदेय नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय पे हम रोड पे उतर के यदि हमें जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े तो उसके लिए भी अब हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब बहुत अति हो चुकी है। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा, सिर्फ 2,000 रुपये देते 66 रुपये रोज में क्या हो रहा है। 66 रुपये रोज में हमारी बहनें क्या पढ़ाएगी बच्चों को और क्या खाएगी, हम भूसा घास खाएंगे क्या? और रही बात हमारे बच्चों को पढ़ाने की, हम कर्जा ले लेके पढ़ा रहे। हमारे 2-3 बहनों ने पैसा भी पी लिया पिछले 3 महीने पहले, जब बच्चों का एडमिशन करना था उस समय भी 2 बहनों ने पैसा खाया। आज बताइए हमारी ये स्थिति है, जो भी सरकारी कर्मचारियों से अधिक हमसे वेतन लिया जा रहा है, हमसे काम लिया जा रहा है, वेतन एक नहीं दिया जा रहा है। और जो 2,000 रुपये दे रहे हैं उसमें भी जनवरी माह से कटौती की जा रही है, हमें टुकड़ों में पैसा दिया जा रहा है, हमें टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए, हमें एक निश्चित मानदेय चाहिए। छिंदवाड़ा से BCN News के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।